गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज ये मोटो व्लॉग होने वाला है, जो हम जा रहे हैं आगे छतरपुर गांव की तरफ भीमकुंड। काफी लंबा सफर है, हमने काफ़ी देर तक गाड़ी चला चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे भीमकुंड। भीमकुंड के बारे में आप लोग भी जानते हैं कितनी ज़्यादा मिस्ट्री है, तो आगे हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। होप अगर आपने ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मेक श्योर कि अगर आप आते हैं भीमकुंड तो आप प्रॉपर मॉर्निंग टाइम में आएँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और जो कुंड में ऊपर से लाइट होती है वो प्रॉपर फोकस में रहती है। तो अगर आप 10 या 11 बजे के अराउंड आते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसा जल भंडार है जिसके रहस्यों का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। सागर जिले से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर एवं छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर भीमकुंड स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं बुंदेलखंड की एक और अनदेखी विरासत की तरफ। ये धरोहर आज से लगभग 5000 से 7000 साल पुरानी धरोहर है, जिसे देखने आज हम जा रहे हैं। ये महाभारत काल में निर्मित बताई जाती है। यदि हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो भीमकुंड प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ के बारे में एक कहानी प्रचलित है, जिसमें बताया गया था कि भीम ने अपनी गदा द्वारा इस पर बलपूर्वक प्रहार किया था, जिस कारण यहाँ पर एक कुंड का निर्माण हुआ था। जो पहाड़ के ऊपर जो शिला थी वो ज़मीन में धंसती हुई चली गई और द्रौपदी समेत पाँचों पांडव ने इस कुंड के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। गाइस फाइनली अब हम भीमकुंड पहुंच चुके हैं, जो कि छतरपुर के बाजना गांव में पड़ता है। बाल कैसे हो रहे मेरे, तो सॉरी मैं हेलमेट पहन के ऑलरेडी बाइक से आया हूं गाइस। तो ये मैंने अराउंड 150 किलोमीटर बाइक चलाई है एंड उसके बाद हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं अपने। लेट्स सी कि आगे क्या होता है और हम आपको बताएंगे कि भीमकुंड क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बुंदेलखंड की दृष्टि से इसको क्यों महान कहा गया है। तो स्टे ट्यून और अब हम आपको दिखाते हैं आगे, तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ आप अपना सफ़र। अब भीमकुंड के अंदर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक पाठशाला भी है जिसमें कई सारे आचार्य जी लोग पढ़ाते हैं। एंड क्यों भीमकुंड इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि जो भीम जी की गदा थी उन्होंने मारी थी एक शिला पे और शिला काफ़ी नीचे चली गई थी, तो ये इतना नीचे है कि इसका जो सरफेस था वो अभी तक मिला नहीं है। और सरफेस की जो बात हम कहेंगे कि डिस्कवरी वाले चैनल वाले लोग भी आए थे और उन्होंने भी बताया था कि इसका सरफेस नहीं मिला है गाइस। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो भी इंसान डूबता है तो कहा जाता है कि डूबने के बाद उसकी बाहर नहीं आती है डेड बॉडी। क्या होता है कि लोगों की जो डेथ होने के बाद बॉडी होती है वो बाहर आ जाती थी, बट इसमें नहीं आई। तो आगे अब देखते हैं कि भीमकुंड कैसा है और क्या है इसके अंदर। भीमकुंड को लेकर मान्यता है कि ये एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिक गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से भी जोड़ती हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि आसपास मध्य प्रदेश में कहीं भी समुद्र नहीं है, तो इतनी दूरी से समुद्र से जुड़ना काफी सोचने वाली बात लगती है।
आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति पानी के भीतर मर जाता है तो शरीर पानी की सतह से ऊपर तैरता है, लेकिन भीमकुंड में अलग अलग घटनाएं होती हैं। इस कुंड में एक बार डूबने के बाद शरीर कभी ऊपर नहीं आता और शरीर कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार भीमकुंड आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का भी सूचक है। जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है, उसके कुछ ही देर में हमें कोई भी आपदा, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाओं के बारे में सुनने मिलता है। भीमकुंड चर्चा में 2004 की सुनामी के बाद आया। जब उस समय सुनामी आई तब देखते ही देखते भीमकुंड का जल स्तर इतना ऊपर बढ़ गया कि सारी गुफाएं, सारे यहाँ पे आने के रास्ते डूब चुके थे और लोग इसे देखकर हैरान थे। उस वक्त ये सबकी नज़र में आया भीमकुंड। स्थानीय लोगों के अनुसार 2004 के बाद जब ये कुंड नज़र में आया तो यहाँ के कलेक्टर ने इस कुंड में बड़े बड़े मोटर पंप लगवाए, जिसके जरिए कुंड का पानी बाहर निकालने की कोशिश की गई। 4 दिन लगातार इसमें से पंप से पानी निकाला गया, मगर उन 4 दिन में कुंड का पानी 1 इंच भी स्तर नीचे नहीं गया। ये सोचने वाली बात थी उस समय सभी के लिए कि किस तरीके से काम करता है। कुंड में जल स्तर सालों साल एक ही समान रहता है, किंतु किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ये कुंड वापस उछाल मारने लगता है। आसपास में कई गुफाएं हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गुफाएं किसने बनवाई, कुंड किसने बनाया, इसकी अभी तक ठीक से पुष्टि नहीं की गई है। कुंड के नीले पानी के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि इस कुंड के अंदर नीलमणि भी दफन है। भीमकुंड के बाहर संस्कृत विद्यालय भी है, जिसमें छात्रावास, गौशाला और सभी चीज़ें हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से विनती है कि अगर आप लोग भीमकुंड जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए आप कुछ मदद कर सके, जैसे कि आप कुछ किताबें ले जाएं यहाँ से, कुछ आप पहनने के लिए कपड़े ले जाएं, तो ये हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से विनती है। किसी भी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा नज़र यहाँ पर नहीं पड़ती है, यहाँ स्थानीय लोग हैं, पूरा विद्यालय चलता है जो आपकी मदद से चल सकता है। तो जो भी आप मदद कर सकें तो कृपया यहाँ पर करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि मध्य प्रदेश के टूरिज़्म की भी नज़र इस वीडियो पर पड़े और यहाँ पर आप कुछ भला करें ताकि विद्यालय भी अच्छे से चल सके। गाइज, हम भीमकुंड में हैं तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं जो कि मैं तो आप सभी को बताता रहता हूँ। अब हम जानेंगे यहाँ के पंडित जी से, जो कि आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड में क्या ऐसी चीज़ है जो भीमकुंड को खास बनाती है। तो सबसे पहले हम पंडित जी को काफ़ी ज़्यादा आभार करेंगे कि आप हमारे चैनल पर आए, और शुक्रिया अदा करेंगे पंडित जी का कि आपने हमें इतना टाइम दिया। अब हमें थोड़ा सा आप बताइए कि भीमकुंड के बारे में ऐसी क्या खास बातें हैं जो आपके हमारे बुंदेलखंड को खास बनाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल, और भीमकुंड का निर्मल जल, वो हजारों लोगों के स्नान करने के बावजूद अपना निर्मलता और संजोए हुए थे, और ऐसा दिव्य जल जो नीलम के समान चमकता हुआ, क्या बात है जी। जल तो आप सभी को मैंने दिखा दिया है, इतना साफ़ पानी मुझे नहीं लगता कि भारत या मध्य प्रदेश में आप कहीं देखते होंगे। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए नीचे कि आपको कैसा लगा भीमकुंड का जल। गाइज, मैंने आप सभी को बता दिया है कि पंडित जी भी बता सकते हैं आपको कि डिस्कवरी के चैनल के लोगों ने भी, गोताखोरों ने इसकी तह नहीं ढूंढ पाए हैं। यहाँ पर कुंड में पंप लगाए गए ताकि ये पूरा पानी बाहर निकाल सके, बट 1 इंच भी
यहाँ पे कम नहीं है जल। तो हम लोग आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को काफ़ी आगे शेयर करें, और इस चीज़ को, ये हमारी संपदा है, ये हमारा भारत है, आपका भारत है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी संपदा और हमारी संपदा को नहीं संभालेंगे तो आगे ये चीज़ें समाप्त भी हो सकती हैं, लुप्त भी हो सकती हैं। तो यहाँ आएँ, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ आप लोग मात्रा में, और यहाँ के लिए आप लोग गवर्नमेंट से भी अनुरोध करें कि हमारी इन चीज़ों को आगे बढ़ावा दें। और आप लोगों को मैंने एड्रेस डाल चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग यहाँ पे आके विज़िट ज़रूर करें एक बार, खजुराहो छतरपुर के पास बाजना गांव में भीमकुंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।